आप शिव चर्चा कर लीजिए, सत्संग कर लीजिए, भागवत सुन लीजिए। अगर आप अपने घर में परिवार में मिलकर के नहीं रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से भी बाबा भोलेनाथ के दरबार से भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर घर वाला खुश है तो महादेव भी खुश है। और आइए कहते हैं, सीता सबरी शकुंतला नर्मदा को जा, सीता सबरी शकुंतला नर्मदा को जा, सत्य बल पर जीत गई अनसुईया भगवान। ऐसी नारी की कथा गावे संत सुजान। और आइए मीठी मीठी ताली के साथ, सती सावित्री अनसुईया ने धर्म कमल कर गे, ये बहिना धर्म कमल कर गे, ये बहिना ब्रह्मा विष्णु महेश के बहिना गोद खेलल करगे। आप सब तो जानते होंगे माता अनसुईया को, जानते हैं ना दीदी। आज देखिए उस संसार में उसका नाम है। और आइए मीठी मीठी ताली के साथ रहेंगे सब कोई, 1 2 3 4। और आप सब माता सीता को जानते हैं दीदी, जानते हैं ना सब कोई, भगवान राम को भी जानते हैं। और देखिए जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो लक्ष्मण भाई भी साथ में उनके जाने के लिए तैयार हो गए। जब माता सीता को पता चला मेरे पति को वनवास हो गया है
तो वो भी साधारण भेष में, जो कि रानी थी, साधारण भेष होकर के अपने पति के साथ में जाने के लिए हट करने लगी कि मैं भी आपके साथ में जाऊंगी, अगर आप वनवास जाएंगी तो आपका सेवा वहां कौन करेगा। भगवान राम कहते हैं कि तुम मत जाओ वन में, तुम यहीं पे रहो। बोला नहीं स्वामी, मैं तो जाऊंगी, और कैसे हट करती है। हे संसार में माता सीता और राम दोनों का नाम है, और जब तक धरती रहेगा और सूरज रहेगा तब तक रहेगा। और पहले क्या आता है? सीता, उसके बाद राम। इसलिए कहना है कि पति जी के सिंदूर, पति जी का चूड़ी, पति जी के भगवान के। और आप सबको मन लग रहा है तो एक बार हाथों को उठाएंगे, उठा लीजिए दोनों हाथ, और ताली के साथ कहेंगे कि पति चरण में आगे बहिना पाहे जागो धाम के। पति चरण में आगे बहिना पाहे जागो धाम के। मैं कहना चाहती हूँ, अगर पति के बिना श्रृंगार करते हैं तो क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। इसलिए कहते हैं कि पति के सिंदूर, पति पति पे ही सारा श्रृंगार होता है। और माता सुलेखना को आप सब जानते होंगे, रामायण तो सब कोई देखते होंगे, और अभी तो बहुत कम देखता है। और माता सुलेखना अपने पति के चरणों में जान भी दे दी। जब माता सुलेखना के पति का नाम मेघनाथ था ना, और जब वो युद्ध में गए, वो पहले से मना कर रही थी स्वामी आप मत जाइए, क्योंकि वो जानती थी पति का नाम। लेकिन जब घटना उसके साथ के घट गया, वो बहुत रोती है और अपने पति के लिए कहती है कि हे कहते हैं इस संसार में अपने परिवार में अगर आप मिल करके रहेंगे, इस संसार में अगर अच्छे से चलेंगे तो जरूर आपका नाम होगा। इसीलिए कहना है अंत में कि चाहे लंगरा चाहे लुल्हा चाहे चोरी न
जापति ठुकरई भैगे बहिना जन्म जन्म दुख पैबे। एक जन्म का बात नहीं है, जन्मों जन्मों का बात है। और इसलिए कहना है कि चाहे लंगरा चाहे कोढ़िया चाहे चोरी इंसान के जापति ठुकरई लीजिए। नर्मदा को सब कोई जानते हैं, उसका पति कैसा था दीदी? नर्मदा का पति कैसा मिला था? लंगरा था, पूरा शरीर बेनकाम था। और देखिए फिर भी वो अपने पति की सेवा करने में तन मन लगा दी और सेवा करके एक दिन उसे अच्छा बनाया। और इसलिए कहना है कि पति चाहे जैसा भी हो वो भगवान होता है। अगर कहते हैं ऐसा नहीं सोचिएगा, इस बीच में बहुत सारे भैया हैं कि अगर हम अब तो भगवान हो गए, भगवान में भी क्वालिटी होता है। ऐसा नहीं कि शराब दारू पी करके आए घर में पति पत्नी को ऊपर से लाठी से पार मार, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। वो पति नहीं होता है, पति में भी क्वालिटी होता है, नहीं नहीं। इसलिए हम सबसे कहते हैं, हमारे भैया से और दीदी से भी, अगर घर में रहते हैं इस संसार में आए हैं, एक दिन सबको जाना है, इसलिए मिल करके रहिए। इसलिए कहना है, नर्मदा अपने पति के लिए कहती है, भैया एक मिनट। जब नर्मदा का पति अपने नर्मदा से मिलने के लिए आई, जब माँ अनसुईया बोली कि तुम इनकी सेवा तन मन से करना, एक दिन अच्छा होगा, उसी का बात रहा। एक दिन कहती है कि हे प्राणपति सुहाग मेरे, तेरी सेवा में लग जाऊंगी। हे प्राणपति सुहाग मेरे, मैं तेरी सेवा में लग जाऊंगी। और दिखाती हूँ कसम चरणों की स्वामी, तुझे कंचन काया पति राजकुमार जैसा हो गया, जो कि भगवान से आत्मा को छीन करके अपने पति को जिंदा किया। ऐसे ऐसे नारी थे इस धरती पे। इसलिए कहते हैं कि गायक प्रतिमा भजन बने